ए ब्रेक मार, लड़कियों के गाली देती है? नहीं तो क्या ताली दूं? धक्का क्यों मारा? मैंने कहा मारा, तुमने आके मुझसे टकराई। चल चल, जानबूझ के टकराता है, जुबान चलाता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे शहर की लफंगों को। अकेली लड़की देखी नहीं और चालूगिरी शुरू। ए, जबान संभाल के बात कर। एक तो मेरा शर्ट का बटन तोड़ दिया और ऊपर से लफंगा बोलती है। अब मैं कहाँ से लाऊंगा ये बटन? मालूम है कितना महंगा है? जो मेरा ड्रेस खराब किया उसका क्या? मालूम है लॉन्ड्री का बिल कितना आता है? लड़कियों के अपने कपड़े नहीं धो सकती क्या? अच्छा, टाइम होता ना तो दिखा देती क्या क्या धो सकती हो, समझा ना? अरे पहले अपना मुंह धो के आ जा। चल चल, अब निकल यहाँ से। चल चल, देखिए तेरे जैसा रोड साइड रूम, समझा ना? अरे चल, तू भी निकल, चल चल चल। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था तुझ में इतनी हिम्मत होगी। किसी को कुछ कहे बगैर तू घर छोड़कर मुंबई आ गई। बाप रे, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तू क्या करती? वो सब मैंने नहीं सोचा। अरे मैं वहाँ एक दिन भी रहती ना तो मेरी मम्मी वहाँ के ज़मींदार के बेटे से मेरी शादी करवा देती। तो क्या हुआ, किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना। अरे वो लड़का आधा पागल है, एक नंबर का लल्लू। पापा ने मेरी माँ की बीमारी और मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था उसके पिता से। पापा तो कर्ज तले दबकर ही गुजर गए और अभी वो मेरे माँ के पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि कर्जा नहीं चुका सकते तो मेरे बेटे की शादी अपने बेटे से करवा दो, दहेज देने की भी जरूरत नहीं है। यानी कर्ज की रकम और सूद मिलाकर हुई तेरी जिंदगी। वैसे अब क्या सोचा है? अब तो बस किसी भी तरह एक नौकरी ढूंढनी है और सारा कर्ज चुका के उस जमींदार से पीछा छुड़ाना है। कोई भी नौकरी चलेगी। कहना आसान है अंजलि, मिलना मुश्किल। वैसे मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ रहती हूँ जो एयर होस्टेस है। वो नेक्स्ट फ्राइडे 10:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी। तब तक तू चाहे तो यहाँ रह सकती है। हाँ, मगर उसके आने के बाद तेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी बट बुरा मत मानना अंजलि, प्लीज़। 2-3 महीने तक गुजारने के लिए पैसे हैं मेरे पास। बस किसी भी तरह नौकरी मिलने तक एक कमरा मिल जाए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ जॉब के लिए। हाँ, बाय। मैंने पता कर लिया, राधेश्याम तिवारी का बंगला पाली हिल में खाली पड़ा है। वहाँ सिर्फ एक नौकर के सिवा कोई नहीं रहता। लेकिन जब कचरे को पता चलेगा तेरी बैंड बजा देगा वो। वो मेरा बैंड बजाने के पहले मैं माधुरी से शादी निपटा लूँगा। एक बार शादी हो गई, खत्म। आफ्टर ऑल लड़की का बाप, वो भी इकलौती, क्या कर लेगा? फिर तो उसे मुझे अपना दामाद मानना ही पड़ेगा। पागल हो गया तू? पहले ये बता मैं अपने विलेन बाप का क्या करूँ? मांगे तूने पैसे मांगे? अरे पिछले आधे घंटे से क्या हिब्रू में बोल रहा था मैं? सांप की तरह बैठा हुआ अपने पैसे पर, कुछ नहीं देगा। लेकिन वो बोला क्या? बोलता है डाका डालो, चोरी करो, मैं तेरा केस फ्री में लड़ूंगा। अच्छा है ना, डाका डाल, बेस्ट धंधा है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या करता है वो? कंधे पर पतला सा तंबूरा लटका कर गाने गाता रहता है वो। मतलब भिखारी है? मुझे भिखारी के साथ रहना होगा? भिखारी नहीं, बड़े दिल वाला है। लो आ गया वो। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वेरी गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस गुंडे लफंगे के साथ कभी नहीं रहूंगी। और तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे डायन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा? मुझे डायन कहा? हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम डायन नहीं हो। तुम तो डायन की माँ हो, सास हो, बहन हो, भतीजी हो। अरे ये तो खानदानी डायन है। प्रिया चलो यहाँ से। अंजलि अंजलि अंजलि, बच्चों जैसी हरकत मत कर। मेरी कल रूममेट आ जाएगी, इसलिए तुझे कैसे भी आज ही रूम का बंदोबस्त करना है। अभी तो टेम्परेरी एडजस्ट कर ले, बाद में हम नई जगह ढूंढ लेंगे। अरे अरे बॉस, एक मिनट सुनो तो। मुंबई में फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं और ये डेंजरस भी है। कहीं किसी की गाड़ी वाड़ी चढ़ गई ना आप पे तो हो जाएगा राम नाम सत्य। बोलो ये तैयार है? बॉस भी तैयार है। अब पोपट मारवाड़ी की शर्त के मुताबिक तुम दोनों को शादीशुदा दिखना चाहिए और इसीलिए ये रहा मंगलसूत्र। इसके 50 रुपये अलग से लगेंगे। ये लो पहना दो। मैं किसी अरे गरे से ही मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। अरे तो ला मैं पहना देता हूँ। अरे इसके लिए आएगा ना कोई झुमरी तलैया का वो राजकुमार, दे दे यार इसे। ओफो, 1 मिनट मैं पहना देती हूँ। जिनको किराए पे घर चाहिए वो लोग आ गए। आ गए। नमस्ते सेठ, कैसा है? नमस्ते। कितने दिन हुई शादी? अभी अभी हुई है। अबे तू तो कह रहा था कि इनकी शादी। मेरा मतलब है काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है ना। नॉनवेज तो नहीं खाता है ना? नहीं। एक दूसरे को छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? अरे सेठ, ये क्या कोई बैल बजा रहे क्या? गाड़ी कितना खींचता है, कितना खोदता है, ये सब पूछने का क्या जरूरत है? अपन सीधे एक बात समझाते हैं, ये बीवी है, ये शोहर, चाबी इनको देने का है और कमीशन अपने को, समझ गया ना? हाँ, एडवांस लाया है? हाँ, है ना मेरे पास। ठीक है, तुम दोनों आज ही से रहना शुरू कर दो। दुलारी, इनको घर दिखा दे। अरे जीतू बेटे, तू आ गया? जी माँ। ओहो, जिस स्पीड से तुम गए थे उस वक्त तो मुझे लगा था कि इस जन्म में इस घर की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। क्यों? जेब खाली होते ही घर की थाली याद आ गई। चाहिए तो दो निवाले खा लो, लेकिन पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। डैडी, डैडी, मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने और लड्डू खिलाने आया हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा जी, कैसा बिजनेस? वही माँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, टीवीज वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ा शोरूम है। तो फिर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? माँ, मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए डाले और बाकी 60 लाख रुपए बैंक ने दिए। 7.5 लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। माँ जरा पता चला है घर में बहुत पैसे हैं। रात को वहाँ गया, मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, सेफ खोला, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहाँ चला, अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा, वो जो गाँव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। अपने बाप को ही चूना लगाया तूने, आस्तीन के सांप। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे ठाल सकता है पापा? हाँ, और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। रेणुका सच पता, ये मेरा ही बेटा है। अब तो मुझे यकीन हो गया है, ये आप ही का बेटा है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, अच्छा बेटा है ना। पापा के पैसे वापस लौटा दे बेटे। वो तो मुमकिन नहीं है। पक्का? पक्का। निकल जा घर से बाहर नालायक, निकल जा। उसी के लिए तो आया हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। शहर से सहाय साहब आए हैं। ठीक है, रामधन को कहना बछड़े को सीधा से दूर रखे, सारा दूध पी जाता है। जी मालिक। अजी सुनिए। वाह वाह क्या आवाज है, वाह। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारी नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक इसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो? भाई हमने तुम्हारे नाम के बिजनेस दुनिया भर में खोल रखे हैं, हाँ? और तुम अपनी अकल की अठन्नी भी इस्तेमाल नहीं करती। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है? ठीक है बहुत हो चुका गाना बजाना, बाहर चंद्रकांत जी और रेणु का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तो पहले यह बताना चाहिए ना, अनाप शनाप बकती रहती है सुबह सुबह। अरे अंजलि बहन, आप तो हमेशा तकलीफ उठाती हैं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कहिए। सब एक ही है जी। लो बोलो एक ही है। तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब मैं अंदर आमिर खान साहब की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं आमिर खान को। आमिर खान, उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो दीवाना हूँ उनका। देखा, ये होता है जानकार इंसान, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कल्चर्ड। और इसे तो गाय, गोबर, भैंस, घास, यही दुनिया है इसकी। नहीं नहीं भाई साहब, इसमें दोष अंजलि बहन का नहीं है, आपका है। आपने इन्हें शहर की हवा लगने ही नहीं दी। चार दीवारों में बंद रह के थोड़ी ना दुनिया की खबर मिलती है। ऐसा नहीं है भाभी जी। ऐसा ही है। आपने अपने बेटा और बेटी को लंदन क्यों भेजा? देखिए, हम तो यहाँ गांव में पैदा हुए हैं और आखिर दम तक यहीं रहेंगे। बच्चों की बात तो और है ना भाभी जी, उनको तो जमाने के साथ कदम मिलाना है, आगे बढ़ना है। तो भगवान करे आनंदीलाल काटपिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ ना हो। क्या हुआ? अरे आप ही की तरह आनंदीलाल काटपिटिया ने अपने बेटों को भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए और ये दोनों रह गए गाँव में। अब हुआ ये कि बच्चे बने बड़े मॉडर्न, हाईफाई, और ये दोनों वैसे के वैसे देहाती। बच्चे जब लंदन से वापस आए तो यहाँ के देसी माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पाए। उन्हें अपने माँ बाप की शर्म आने लगी। अरे साथ रहना तो दूर, बच्चे उन्हें मम्मी डैडी कहने को भी तैयार नहीं थे। फिर एक दिन दोनों बच्चे उन्हें यू ब्लडी देसीज कह के वापस लौट गए लंदन। फिर कभी बच्चों ने माँ बाप का मुँह तक नहीं देखा, मरते दम तक तरसते रहे बेचारे। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे हमसे ऐसा करेंगे मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं कितनी बार इनको कह चुकी हूँ कि शहर चलते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं। देखिए ना, चलिए जी शहर चलते हैं, 1 महीने के लिए सही। हाँ हाँ, आप जिद मत करो। मैं तो वो आनंदीलाल काटपिटिया के साथ सोचेंगे सोचेंगे। निकालिए, जरूर सोचिए। ये रहे सारे रिपोर्ट्स गोपाल। हाँ, अंजलि केमिकल्स के केस पेपर्स में अगले हफ्ते आऊँगा तो लेकर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं। जी सर, वो आमिर खान मिले तो मुझे बुलवाइएगा, उनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो तो चल बसे। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने लगान देखी। लगान? अरे मैं उस्ताद आमिर खान, आपने सुना है उनको? चलो चलो बस निकल जाएगी, चलो। तुम सब एक ही खेत की मूली हो। लगान? अरे काहे का लगान भाई? कसम पूरी हो गई, जान छूटी। ए, ये क्या कर रहे हो? हाँ, मतलब अच्छा हुआ। हाँ। 10 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है जी। हाँ हाँ हाँ। है ना पंडित जी? उसी दिन शादी कर लेंगे। पांडू है। शाबाश, कैसे हो पांडू? आपकी दुआ है मालिक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है सर। अरे भैया सब कहाँ हो रहा है? सर ये हमारी कंपनी के मैनेजर हैं केसी शुक्ला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप हमारे शहर में पहली बार है इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा वेलकम। आप थक गए होंगे सर, अब हम चलते हैं। अरे ऐसा कैसे चलेंगे, मुझे सब लोगों से जान पहचान जो करनी है। ठीक है सर। आइए आइए सब लोग अंदर आ जाए। अरे पांडू तू कहाँ चला? सामान लेकर आया। रहना हफ्ता 2 हफ्ता, ऐसा कितना सामान हो? ओ, तुझे किसने कहा? तो फिर सर यही रहने वाले हैं हमेशा के लिए। पांडू, ओ पांडू, क्या हुआ? कुछ नहीं। सामान लेकर आ। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। अरे ये राधेश्याम तिवारी तेलेगांव का ही है ना? कौन? वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले। हाँ मेरे गांव के हैं। हाँ वही सुना है मैंने कि वो आजकल यहीं आकर रहने लगे। तू एक काम कर, तू जाकर राधेश्याम जी से बात कर, वो और तू एक ही गांव के हैं। मेरे ख्याल से सेंटीमेंट में आकर वो तुझे कोई ना कोई जॉब तो दे ही देंगे। रियली? कोशिश करके देखते हैं, और कुछ नहीं तो तेरा और उनकी कंपनी का नाम भी एक है, हो सकता है इसी बात पे खुश होकर वो तुझे कोई नौकरी दे दे। अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है जी, संगीत विशारद भी हो। भाई वाह। एसएससी नहीं किया है? जी हाँ किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। तो बताओ कैसी नौकरी चाहिए तुम्हें? जी कोई भी चलेगी। अच्छा हाँ। फिलहाल तो सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, उसके लिए एमए बीए फसलार तो नहीं चाहिए ना। दीजिए ना, दीजिए दीजिए दीजिए। वैसे तो घर में सिर्फ मैं अकेला। ए लड़की तू अभी तक गई नहीं? वो तो ऐसा ही बात है। तुम चुप रहो। जी वो सर तो बिना सर पैर के कुछ भी बातें करते रहेंगे। क्या बात? तुम जाओ यहाँ से। जी मैडम तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कहाँ कर रही हो? ये घर आए मेहमान से ऐसे बातें करती हो? बालों के साथ साथ अपनी तमीज भी कटवा दिया। बालों के हिसाब से तो अभी भी मुझ में ज्यादा तमीज है तुमसे। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की है तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम पे कर दो ना। हाँ तो कर दूंगा, तुमसे पूछने नहीं आऊंगा मैं। हाँ हाँ मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ आपकी नीयत को, लेकिन मैं भी पांडे खानदान से हूँ। अपने मायके से 3 एम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियां भर भर के सोना लाई थी, सू समेत वापस कर दो, फिर जो मन में आए करो। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। अरे आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने राधेश्याम जी को बोला था कि आप एक फोन कर लेना, मैं सीडी प्लेयर बदल दूंगा। जी मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी। वो टाइम्स में आपने ऐड दिया था ना। मतलब? सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ये नौकरी चाहिए। नौकरी? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए मुझे बहुत ज़रूरत है। राधेश्याम तिवारी की बेटी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? हा? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। ओके ओके समझ गया समझ गया। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आई लाइक दैट। नो आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है आजकल की सभी लड़कियों का यही टेम्परमेंट है, बाप अरब पति हो लेकिन अपने आप कुछ कर दिखाने के लिए पिज्जा हट, कैफेज में यहाँ वहाँ जॉब्स करती हैं। I like that. I appreciate that. तू सच बोली तो हाथ आया एक आखिरी मौका भी गवा देगी। जी मुझे 5000 मंजूर है। Great. आपका नाम? अंजलि। अंजलि, हाँ, पिताजी ने सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पर रखा है। अंजलि टेक्सटाइल्स, अंजलि केमिकल्स, अंजलि इंडस्ट्रीज। गुड नेम। थैंक यू सर। जीतू, आप मुझे जीतू कहिए। लेकिन नहीं, देखो हम दोनों का रिश्ता दोस्ती का होगा। ओके ओके सर। जीतू। जीतू। सो स्वीट। आपको देना फ्रेश है ना? एक कोक देना और चिप्स। यस मनी। अरे पिक्चर शुरू हो रही है, कम। थैंक यू। साहब, पिक्चर वहाँ चल रही है, यहाँ नहीं। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, हम तो हैं तेरे दोस्तों में। क्यों हमको दीवाना बनाया, क्यों हमको दीवाना बनाया, क्यों तूने मेरा दिल चुराया, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। नमस्ते, मैं तेजा भाई। आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी मतलब? देखिए मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ, अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए, मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है। मंगनी भी कर ली, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है आपका बेटा यहाँ नहीं, लंदन में है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर आया था, फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से, शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई। मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां पे मैं चाहता हूँ। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो का हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना। अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। हाँ? ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो। तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुछवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते। खून खराबे वाले खानदान से हूँ मैं। उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हा? अरे बड़े बेशर्म हो, अभी तक यहीं खड़े। जाओ यहाँ से। हाँ, अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो। क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ ना यहाँ से। हाँ जाता हूँ। चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ तुम्हें लगता है। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते हैं। वही है वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है, थोड़ी सुमसाम जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या? ये साफ कर रहा है खंबा या जूता, वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शौक लगाओगा यार। अरे जाके खींच ना उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी, एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। तू हाथ पे मार, मैं पाँव पे मारता हूं। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन तेरे को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है, पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा वापरता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा। शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा सो जा। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं। कर देगा अपन उसको। अब सुना, इधर ही कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी है मर्डर के बाद। आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना अपन आया था इधर। हाँ छोटा चेतन साहब, देखा देखा। कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी। तुमने झूठ का है बोला। क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए या 50 खून उसने किए, मैंने नहीं। चल चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गाँव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। प्यार हो गया, हाँ मुझे उससे प्यार हो गया। मेरे को बताओ इधर ऐसा कोई आदमी रहता है क्या जिसका स्क्रूड्रिल है? और कोई पागल रहता है क्या इधर? सेठ को पूछ लो आप। ये लेना ना देना फोकट का बैटरी ने घुमाना ये बोल के रखता है। मेरे को पक्का मालूम है, पागल खाने से पागल भाग के आके इधर ही छुपे ले। अरे पागल खाने से भाग? अरे ऐसा बोलो ना सर, 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? तुम पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले भैया, मुझे किसी भी तरह से हाथ निकाल लो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने के वास्ते। हाँ, हम खुद ही चले जाऊंगा। ऐसा कैसे जा सकता है? जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तू नहीं जा सकता, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। पुलिस भैया इन सबकी मिली भगत है, मैं बताता हूँ आपको। हाथ आटा के बात करने का मैं बताता हूँ। ये सब मुझे पागल साबित करके मुझे यहाँ से ले जाके मुझे मार डालने की साजिश है उस छोटा चेतन की। देखा, मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। तुझे मार डालूंगा मैं। ले चल बाहर जाने का मेरे को इसके साथ राड़ा करता है। ये भी उससे मिला हुआ है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या है? जरूरी बात करने के तुम। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे घबराने का नहीं रे बाबा, मैं इंस्पेक्टर वाघ हमारे दूसरी पार्टी ने भेजा है। दूसरी पार्टी? वो बरोबर 10 बजे तुमको लेने को आएगी। बाबा हम दोनों ने मिलके तो प्लान बनाया ना तुमको पहुंचाने। तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, अब मुझे पता चला कि छोटा चेतन से पुलिस क्यों डरती है। अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आई लो बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लोगों को समझने दे कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। चल चल अरे अरे ये तो अपना नंदू है, घर से भाग गया है। पता बताने वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए? अरे लग गई पोपट, तने 2 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब देखता हूँ तू बाहर कैसे निकलता है। 2 लाख रुपए का सवाल है भाई। पोपट जी तू बाहर कैसे निकल गया? पोपट जी मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है? अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे पेपर में पब्लिक सिटी छपी है, तेरा फोटो छपा है। 2 लाख रुपए मिलेंगे उस आदमी को जो तुझे घर ले जाएगा। मेरे 2 लाख रुपए पे पानी मत फेरना। अरे रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा। मैं आखिरी बार आया हूँ। ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। आइए, आप ही की कमी थी। आइए आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था मैं। खामोश, मेरी बेटी कहाँ है? क्या बेटी? और इतने दिन से पूछ रहा था मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, अब पूछे मेरी बेटी कहाँ है? तुझे कोई बीमारी है क्या? अरे जब तेरे को पता चला कि तेरे बेटे को उठा के मैं अपनी बेटी के साथ शादी करवा दूंगा, तूने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कहाँ मेरी बेटी? उसने मेरे साथ शादी कर ली और मेरे साथ बहुत सुखी है ससुर जी। अरे चुप कर। अरे तू कर क्या लेगा? क्या कर लेगा? बोल। तेरी जान ले लूंगा। खिलौना नहीं है, नीचे करो, नीचे करो। गोली चल जाएगी, हम मर जाएंगे। नीचे करो। अरे तो चुप बैठ, तेरे पे तो 8-10 गोली ऐसे ही छुट्टी फेंक दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मिले हुए हो, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसलिए तुम सबको मेरे साथ आना होगा। और किसी ने अगर नहीं बोला ना तो वो आखिरी बार बोलेगा। चलो मेरे साथ। मैं भी काटूंगा। काटा काटा। सालो, ये बगीचा नहीं है, मेरा अड्डा है, मेरा मौत का अड्डा। बोल मेरी बेटी कहाँ है? अरे बहुत तंग आ गए यार, घर से लेकर यहाँ तक 25 किलोमीटर में 50 बार पूछ चुके हो बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ? कौन सी भाषा समझते हो? मेरी बेटी कहाँ है ये लोग फिर से पूछ रहा है। पता नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं। ये नाम बदला है। कैसे कैसे मेरी बेटी कहाँ है बता। खुदकुशी कर लिया उसने, सूखे कुएं में कूद के जान दे दी है बेचारी ने। मजाक करता है, मजाक करता साले। इस बंदूक के अंदर जितनी गोलियां है ना सब असली हैं। देखना चाहता है, देखना चाहता है। ये देख। जिंदगी भर के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। ए हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अरे अंजलि किधर है भाई? सब कुछ कैसे शांत हो गया ना, जैसे किसी तूफानी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। काफी बातें भी साफ हो गई हैं। देखो, मैं मानता हूं कि तुम तिवारी की बेटी हो, यही सोचकर मैंने तुमसे प्यार किया था। देखो, जिंदगी में किसी ना किसी लड़की को सर पे बिठाना ही है, तो मैं सोच रहा था कि तुम वो जीतू कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। नंदू भी यही कहता है। वो दरअसल इतने दिनों तक मैं और नंदू पति पत्नी बनने का नाटक करे थे ना, तो वो कंसिडरेशन तो नंदू को मिलना चाहिए। तो क्या दोनों से शादी करोगी? नहीं नहीं, दरअसल ये सब हंगामा जब चल रहा था ना, तब मैंने इस मसले का एक रास्ता निकाल लिया है। वो क्या तय करना है। इनमें मैंने दोनों के नाम लिखे हैं, जिसका नाम आएगा उसी से शादी करूंगी। क्या? नंदू प्लीज एक चिट्ठी चुनो। मैं नहीं चुनूंगा, इसमें मैं हमेशा हार जाता हूँ। नंदू मैं नहीं चुनूंगा, मैं हमेशा हार जाता हूँ। मैं नहीं चुनूंगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो मैं नहीं चुनूंगा, नहीं। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, मैं नहीं चुनूंगा कि वही मुझे सही लड़का चुनने में मदद करे। जीतू तुम यहाँ से एक चिट्ठी चुनो प्लीज। मुझे मालूम था कि मैं हार जाऊंगा। नंदू नंदू इसमें भी नंदू नंदू hey 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 For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.